उनमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आनंद अंबानी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज जो चंद मकबल इंडिया में हुई हैं आज वो लंदन पहुंच चुकी हैं जी हाँ शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं और अब जारी भी हैं तो जानेंगे कि पूरी दुनिया से किन मशहूर फनकारों ने हिस्सा लिया शिरकत की और पाकिस्तान से स्पेशली किन किन लोगों ने शिरकत की है मिस्टर अम्बानी के बेटे की शादी पे पर सर कैसे हैं सर सर आप अल्लाह का करम बिल्कुल जब हम बात करते हैं पहले तो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ है वही नहीं अभी तक जारी जहन से और अब जो शादी की मुकम्मल तक है वो शुरू हो चुकी है लंदन में तो आप बताइए कि क्या चल रहा है ना फिर इसी तरह के होते हैं आप जेन पे ज्यादा जोर ना दें आप जा रही आप, आ, आप तो जा ही रहे हैं ना बिल्कुल मैं मुझे जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि अनिता भाभी नाराज हो जाएंगी अगर मैं नहीं पहुंचूंगा आप क्या है गिफ्ट उन्हें बस जो परफ्यूम्स उन्हें पसंद है वो उनको देंगे और अब कौन परफ्यूम्स पसंद है और मैं कितने महंगी कितने लाखों तो के पाकिस्तानी गंदम तो लेकर नहीं जा, जा सकता लंदन वो लंदन में हो रही तक आपको पता है उसके तो बात गिफ्ट खरीदी है खरीद ली है तो कितनी एडवांस सैलरी आपको निकलवानी पड़ी कि आपको एक परफ्यूम खरीदना नहीं नहीं उनके गिफ्ट सैलरी से नहीं आते तो आपको क्या उनके गिफ्ट्स के लिए लोन लेना पड़ता तो बैंक ने अप्रूव कर 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 दिया कर दिया कर दिया चलिए जी यू यू आर आर लकी लकी इन इन दैट दिस रिगार्ड अच्छा उसमें होता यह है कि आ, ये जो जारी है। कोई पता नहीं इसके बाद न्यूयॉर्क में शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं ठीक है मैंने कल जब लंदन बात कर रहा था मैं अपने मीडिया फ्रेंड से तो मैं उनसे पूछ रहा था कि कौन सा आ, वो वेन्यू क्या है कोई होटल है कोई हॉल है कोई पार्क है तो वो कह रहा था नहीं भाई वो अपने घर पे ही कर रहे हैं वो महल नुमा घर है जहाँ उनकी अपनी सिक्योरिटी है और आ, मीडिया नोट लाउट और हाँ अलबत् सरप्राइजिंग बात ये है जो मैं सोच रहा था जब ये शादी शुरू हुई और पच्चीस खाने जो है उनकी डिशेस लग रही थी और दुनिया के बड़े बड़े नाम उसमें शिरकत कर रहे थे और अमेरिका से रिहाना परफॉर्म करने आ रही थी तब मैं सोच रहा था कि अगर आप इंडिया की बात करें और ये जो फैमिली है अम्बानी फैमिली बड़ी ये एक बॉलीवुड ओरिएंटेड और फन लतीफा से बड़ा इनका वो है एक प्यार और स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा है अपनी क्रिकेट टीम भी है मिसज अम्बानी की मुंबई अलेवन जो है उनकी तो मैं सोचता था कि इंडिया की मूवीज़ और पाकिस्तान का म्यूज़िक ये बिल्कुल लाजमल हो चुके थे और ख़ास तौर पे उस्ताद राहत फत ख़ान के आ, गाने और आतिफ़ असलम के जो गाने हैं वो एक इंडियन फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाने लगे बिल्कुल, थे बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं सोचता था कि अंबानी की शादी जो है चल रही है पाकिस्तान से ये जो आवाजें ये अब तक नहीं आई ये गूंजती हुई दिखाई नहीं दे रही अब जो है वो खबर ये आई है कि फ्राइडे को गुजरे हुए दिन जो कल जो है येस्टरडे आतिफ असलम ने परफॉर्म किया है अंबानीज की आ, शादी की तकरीब hmm. जो उनके घर पे जारी है और अब भी दुनिया भर से वहाँ पे मेहमान जो है वो मधु किए जा चुके तो कितने हैं कितने पैसे लिए होंगे आतिफ असलम ने एक तो मुझे पाकिस्तानियों का ये इशू जो है ना कभी न, आ, समझ नहीं आता कि हम जो है ना कि वो ये जो फन होता है ना फन और ख़ास तौर ये म्यूज़िक ये बाला तरह इन चीज़ों से बल्कि आ, बिल्कुल हम आ, हर तरह से दो कौमी नजरिए के कायल हैं लेकिन ये जो फन है ये सरहदों का आ, कैदी भी नहीं हुआ करता तो इनकी फन की कोई सरहद नहीं होती तो आ, मेरा ख्याल है कि देखें बड़ी एक इसमें नेचुरल सी बात है कि जो कॉन्सर्ट का आतेफ असलम का इस वक्त रेट है यूके में वही उनको मिला होगा अब मसलन कितना हो सकता कोई मैक्मम अंदाजा अब मेरा ख्याल है कि आ, मेरा ख़्याल है कि दो से ढाई लाख डॉलर जो है वो ज़रूर जो है उन्होंने, उन्होंने चार्ज किए होंगे, होंगे उन्होंने चार्ज किए होंगे क्योंकि पाकिस्तान में आ, मेरा ख्याल है कि अब वो पाकिस्तानी लगभग एक करोड़ के करीब वो चार्ज करते हैं पाकिस्तान में तो जब आप स्टेशन छोड़ते हैं फनकार तो वो रेट डबल भी हो जाता है और उससे भी बढ़ जाता है और ये है कि बहुत से तहफ भी उन्हें वहाँ दिए गए और हालांकि आतिफ़ असलम जितना बड़ा नाम है उनको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की वो तो एक प्रोफेशनली अपना काम करने वहाँ गए कॉन्सर्ट उन्होंने किया तो दूसरे पाकिस्तानी फनकार जिन्होंने सैटरडे को परफॉर्म किया उनका नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान फ़ते oh, nice. वो भी पहुँच चुके हैं लंदन और फ्राइडे नाइट को वो लैंड किए और कल परफॉर्म कर चुके जी सैटरडे को उन्होंने परफॉर्म कर लिया तो और दोनों ने बहुत जानदार परफॉर्मेंस और जो अम्बानीज ख़ानदान का म्यूजिक लवर जो जितना क्राउड है उन्होंने रिहाना का जो परफॉर्मेंस थी और गाना भुला दिया उनको इतनी आतिफ़ असलम और उस्ताद राहत फ़त अली खान ने अम्बानीज की शादी पे जो परफॉर्मेंस दी है वो भूल गए हैं कि कोई रिहाना नामी ख़ातून आई थी अमेरिका से और, और परफॉर्म करके चली गई थी इंडिया में बड़ी जानदार परफॉर्मेंस हुई है और बड़ा एक हल्ला गुल्ला हुआ है वहाँ पे और आतिफ असलम को भी जो है वो आ, दोनों फैमिलीज की तरफ से पहले से लिस्टें दी गई थी कि हमने आपके ये ये सॉन्ग सुनने हैं जो दुल्हन एंड फैमिली है राधिका बिल्कुल फैमिली उनकी तरफ से एक लिस्ट आई थी और एक लिस्ट जो है वो अम्बानी की तरफ से उनके पास थी और वही जो है वो आतिफ असलम ने परफॉर्म किया आ, ये कोई तकरीबन रात के नौ और दस बजे यू के टाइम के मुताबिक उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन उससे पहले शाम पाँच बजे साउंड चेक के लिए एक दफा आते वहाँ गए जब जो है वो दूल्हा दूल्ला मिया वहाँ पर मौजूद थे अनंत अंबानी और उनकी फैमिली वो सब उनसे मिले और तस्वीरें तस्वीरें वो किसी वक्त भी आना शुरू हो जाएंगी आ, वैसे पब्लिकली मीडिया अलाउ नहीं था लंदन की शादी पे जो लंदन में तरीबात हो रही हैं मुझे ये बताइए हम जब बात कर रहे हैं तो यानी कि जो उन्होंने अपने मेजर फंक्शन है उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स को उस पर बुलाया देखिए मैं बताता हूँ आपको इसमें काफ़ी चीज़ें हैं उसमें यह है कि जो उनकी इंडिया में एक्टिविटी हुई उसमें कोई पाकिस्तानी मधु नहीं थे और आ, अब जब वो लंदन वाली जो उन्होंने प्लान कर रखी थी एक्टिविटीज़ और मुझे तो ये भी इत्या है कि अमानीज ने पाकिस्तानी फनकारों और मेहमानों को मदु करने के लिए ही ये तकरीब लंदन में रखी इंडिया में नहीं रखी अच्छा, रियली एग्जैक्टली exactly. उसमें यह है कि बड़े इश्यूज हैं बदस्तूर वीजा इश्यूज आते और हैं सिक्योरिटी इश्यूज और आना जाना और चीजें आप जा रहे होंगे तो अभ, अभी मुझे जरा उनका बता लेने जो लोग जा चुके हैं तो अपने जाने का मैं बाद में बताता हूँ जी जी अच्छा उसमें यह हुआ कि एक और हमारे बड़े जबरदस्त दोस्त हैं वो भी पहुंच चुके हैं उनका नाम है वारिस बेग वारिस बेग भी जो है वो फ्राइडे नाइट को जो है वो पहुंचे थे आ, वाया धाबी और बल्कि धाबी से जब उन्होंने लंदन की फ़्लाइट लेनी थी तो उनकी कुछ सीट का भी इशू रहा दो घंटे तो फाइनली फिर उनकी सीट हो गई तो वो भी वाई इनवाइट इन्वाइट ही हैं और वो पहुंच गए उन्होंने आतिफ़ असलम वाली जो शो था उसमें तो नहीं वो कर सके शिरकत लेकिन उस राहत फ़री खान वाली जो परफॉर्मेंस थी उसमें वो मौजूद थे उस शादी में तो इसी तरह जो है वो अगर आप मुझसे पूछें कि पाकिस्तान से तो कोई इस तरह का नाम मेरे पास नहीं है कि, कि किसी पाकिस्तान पाकिस्तानी बिजनेस मैन को या बिजनेस कम्युनिटी फै, को या इस ऐसी फैमिली को या किसी पॉलिटिशन को या किसी हकूमती शख्सियत को वहाँ पे मदू किया गया हो अलबत् है कि दो दिन पाकिस्तानी फनकारों ने पूरा वो मेला लुटा है वहाँ पे भरपूर और उसी तरह से जो है वो वहाँ पे एक अगर बात करें हम हैं खाने की तो खाने की भी उसी तरह से सैकड़ों डिशेस थी बिल्कुल जो इंडिया में जैसे तकरीब हुई चंद मकमल तो और मेहमानों की तोज़ो जो है वो उससे की गई और बहुत से तहफ़ दिए गए और गिफ्ट दिए गए अब आप मुझसे ये ना पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे ये जो लोग गए हैं तो इन्होंने सलामी क्या दी होगी अब आप, आप इसी आपके जो सवाल हैं ना वो मुझे उनसे मेरे, जहन ना। तो मेरे जहन में दो सवाल है एक तो मेरे में ये इस्लामी का आप बताइए कि इन्होंने कितनी दी एज अ टोकन ऑफ जो भी होता है गिफ्ट इसके अलावा ये बताइए कि इंडिया में तो चलिए मीडिया अलाउ था लेकिन लंदन में इन्होंने अपनी इन तकरीब के लिए मीडिया को क्यों अलाउ नहीं किया अच्छा जरूरी नहीं है कि ये देखें ये कोई एक ना तो कोई सार्क फेस्टिवल हो रहा है और ना ही कोई टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो रहा है कि जहाँ पे मीडिया को ज़रूर एक्सेस मिलनी चाहिए तो जो मेन लोग हैं यूके मीडिया के वो हमारे जारी बात है कि रबते में तकरीबन काफ़ी दोस्त हैं उनमें तो उन्हें बिल्कुल इस तरह का कोई इनविटेशन नहीं था तो बिन बुलाए तो वैसे भी आपको पता है मुनासिब नहीं लगता कि जाके अच्छे आपकी तरह अच्छे कपड़े पहन के और बंदा किसी भी शादी में घुस जाए असलकम बहुत मुबारक हो आपको तो वो फिर आपको पूछेंगे आप, आप आप, किन की तरफ से हैं लड़की की तरफ से हैं लड़के की तरफ मैं से हैं? की तरफ तरफ से से मैं मीडिया तो आप कहेंगे मैं मीडिया की तरफ से तो <laughs> मीडिया तो तो नहीं है भी भी। तो फिर आप किसी साथ वाले शादी हॉल वाल में ट्राई करेंगे तो इसलिए बेहतर है कि आप ना जाए तो और वैसे भी एक प्राइवेसी होती है अच्छा वैसे अगर अंबानीज़ की आ, शादी तकारीब की और इनकी दीगर जो एक्टिविटीज होती रहती हैं उनकी बात करें तो वो ऐसे ही है जैसे किसी चौक चुराहे में वो हर चीज़ कर रहे होते हैं वो छुपाते ही नहीं कुछ अपना उनके आपसासे ले लें उनकी फ़ैमिली मेंबर्स ले लें उनकी एक्टिविटी ले लें और उनका लाइफ स्टाइल ले लें उनकी गाड़ियाँ ले लें और उनका घर ले लें आप वो वो सारा जो है ना वो बिल्कुल मीडिया से आ, किसी भी तरह पोशीदा नहीं है आया नहीं है तो छुपा हुआ नहीं है तो वो जो है बिल्कुल खुद उसकी कवरेज करवाते हैं पहले तो वो उन्होंने जो है वो

एक पिक्चर जो है ना वो दूर की बात है वो भी नहीं सकती exactly है ना? और ना ही इंडियन मीडिया में अभी तक वहाँ की एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है और ना किसी को अभी तक वहाँ पे ये बताया गया है और वो मैंने आपको बता दिया कि वारिस बेग भी उसमें शिरकत कर रहे हैं तो अब जहाँ तक बात है कि तहविफ देने की तो अब उनको क्या तोहफा दें मैं तो खुद सोच रहा था क्या भिजवाऊँ अनंत के लिए धूले के लिए अब सोचा आपने कुछ तो अगर अगर लोन देखिये बाज होता है कि आप दूसरे से पसंद पूछ लेते हैं उनको उसे क्या पसंद है तो उन्हें कम से कम हाथी मांग लेना कम से कम हाथी तो उन्हें हाथी पसंद है दोनों को सबसे ज्यादा उनने कितने वहाँ पे वो हाथी रखे हुए इंडिया में और पूरा एक फॉर्म हाउस उनका बनाया हुआ है और उनके लिए फॉरेनर जो है वो सारे आते हैं लोग हैं और उनके डॉक्टर्स जो हैं जानवरों के और वो अब अब वो मुझसे अगर हाथी कहाँ से मैं तो इधर

तो ये रिपोर्ट भी किया हमारे रिपोर्टर ने कराची से तो अब ये इस तरह का भेजा जा सकता है गिफ्ट भेजा बड़े जा ट्रबल में लग रहे हैं कुछ तो सोचा होगा अब बैंक से लोन तो मिल गया ना हाँ वो तो तो, वो तो तो चले शुक्र करे ना आपको ये, मिल ना, ये तो मिल गया ना हमारे हमारे यहाँ कुछ और मिले ना मिले लोन मिल जाता है कुछ और वो भी नाकाले वापसी वो लेने वाला पहले से नियत करके बैठा हुआ कि मैंने वापस नहीं करना यहाँ देखा तो इसलिए इस तरह का लोन तो हर बंदा लेना चाहता है और और रोज जो है वो अप्लाई कर रहे रहे होते हैं हैं लोग ले लोन तो ले रहे हैं तो ये बताइए इतनी धूमधाम से लोग शादी कर रहे हैं प्री वेडिंग फेस्टिविटीज इस तरह हुई जैसे कि शायद धूमधाम से कोई शादी हो गई है लेकिन पता चला उसी दौरान तो अभी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है टीजर है देखिए अब असल शादी तो हो रही है लंदन में तो ये पता है क्या इन लोगों को नजर नहीं लगती शादी नासी पी का तो जो, जो no सवाल, है, सवाल है आपका जैसे अभी अमेरिका में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी ट्रॉफी जो है वो पूरी दुनिया में फिर रही है और इस वक्त मेरा हर ट्रॉफी आजकल पाकिस्तान पहुंची हुई है अब वो पाकिस्तान से होती हुई इंडिया से होती हुई और श्रीलंका और जितनी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं वहाँ से होती हुई और जितनी टीम्स और जितने मुल्क इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मुल्कों से होती हुई वो वापस अमेरिका पहुँचेगी वर्ल्ड कप के आगाज़ से कबल तो इसी तरह से मुझे तो लग रहा है कि अनंत जो है दूल्हा वो इंडिया से दुबई दुबई से लंदन पहुँच चुके हैं और आगे अभी पता नहीं अमेरिका जाते तकरीबात ये वहां जाते हैं एक मैच भी और बिल्कुल और अब फिर एक दफ़ा अनाउंस हो और एक बहुत बड़ा जो है फायरवर्क हो घंटों का और उसके बाद कहा जाए कि अब इख्ती तकारीब इस शादी की जो है वो होने जा रही है और वो फला तारीख को ये तकारीब होंगी तो वो ये शादी एक फेस्टिवल बन चुकी है नहीं अच्छा यहाँ पे ना लोगों का गिला है और सवाल भी है कि वो लोग ग्रॉसरी करने में जाए ना तो उनको नज़र लग जाती है या वो गिर जाएगी फट जाएगी किसी किसी तो आप देखिए इतनी धूमधाम से इतने एक्सपोज तरीके से आप अपनी शादी की जो तकलीबात है उसको एक्सपोज कर रही हैं उन लोगों के सामने भी जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते यह बहुत अंडर द पावर्टी लाइन है आप इंडिया को देख लें कि इंडिया के ही अमीर तरीन खानदानों में से एक अमीर तरीन खानदान है मिस्टर मुकेश अम्बानी उनकी मिसेज नीता अम्बानी जिनकी बेटी की शादी है लेकिन आप देखें इंडिया के अपने हालात कितने अंडर द लाइन है हमारी जो बुज़ुर्ग होती थी, थी ना दादियाँ और माएँ तो जब उन्हें ये एक इस खदशे के पेश नज़र के नज़र ना लग जाए तो वो एक वो टीका लगा देती थी तो उन्होंने तो निकाले है? ना सारी फोटेज तो वो इंडिया के गेट पे लगा आ, 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 लगाया लगाया कितने पर मिसेस अंबानी और उन्होंने वो टीका लगाया होता है और वैसे भी जो है मुकेश अंबानी साहब हैं उनका उनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको कोई अचानक देखकर उनको नज़र लग जाए इस तरह की तो सूरत हाल नहीं है तो अब यह है कि ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी फनकारों ने वहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया उन्हें इज़्ज़त दी गई और अच्छी बात है exactly, वहां पे कलेक्शन बनाई गई वो आतिफ असलम के सारे वो सॉन्ग्स जो इंडियन फिल्मों में इस्तेमाल जो सुपर हिट सॉन्ग्स हुए और अली खान के भी वो सॉन्ग जिन्होंने गाये तेरे मस्त मस्त दो नैन और अच्छी बात है वो जो एक पहलवानों वाली सलमान खान वाली फिल्म थी उनमें बड़ा वो गाना उनका सुपर हट हुआ था एग्जेक्टली exactly. और वो सारे सॉन्ग्स उन्होंने वहाँ पे वो परफॉर्म किए और उस्ताद उसदार अहरि खान का एक थोड़ा सा एक्सक्लूसिविटी जो है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने तकरीबन थर्टी टू फोर्टी मिनट्स की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कवाली बेस्ड थी उन्होंने अपना जो एक रवायती फ़न है और एक जो इस ख़ते की पहचान है और उनके घराने की जो एक लेगेसी है वो उन्होंने कवाली वहाँ पे बड़ी जानदार परफॉर्म की उन कवालियों में Wonderful. जो है फतेह अली ख़ान की कवालियाँ और आ, उसमें एकदम अंदर से लेके और बिल्कुल आ, ये सारी उन्होंने परफॉर्म की वहाँ पे तो एक अच्छा अच्छी एक ये रवायत है। है। थोड़ा है। है। सा एक हम लोग शायद एहसास कम तरीका शिकार थे कि वो रिहाना वहां से आ गई और जो है वो से और वो, वो भी अमेरिकन रिहाना मैं समझा कि पाकिस्तानी रिहाना है को शेखूपुर से रिहाना को या मुरीद के से बुलाया गया वो, वो अमेरिकन रिहाना वो गा के और मेला लूट के चली गई लेकिन अब देखे ना अब जो ज्यादा प्रोमिनेंट है और ज्यादा एक मेजर परफॉर्मेंस है वो तो आते फ्रंट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो लंडन में मौजूद थी बड़े बड़े नाम थे उनमें और आ, उसमें उनमें बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स थे उनके आ, स्टार्स थे बड़े क्रिकेटर्स थे आ, इंडिया के और आ, उसमें जो है वो कुछ गैर मुल्की क्रिकेटर्स जो हैं फॉरन जिसमें एक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर्स की भी इतलाह हमें मिली है कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की इतलाह मिली है और आ, ये तमाम तरह सेलेब्रिटीज़ की मौजूदगी में आ, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि शो एक एक्टर्स और सोलो परफॉर्मेंसेस एक दिन, exactly, दिन आतिफ़ असलम और दूसरे दिन उसत राहत अली खान nice. आ, ये उन्होंने परफॉर्म किया है और आ, मैं तो बिल्कुल आपको ऑफर करता हूँ कि अभी ये तकरीब चल रही है और आ, आप

फ्लाइट पकड़ो और चले जाओ वहाँ पे और मुबारकबाद तो तो गिफ्ट, गिफ्ट तो ले ले तो की जरूरत भी नहीं है मुझे उसकी आप टेंशन बैंक लोन की बजाय लोन का सूट देखो वहाँ से अच्छा सा ठीक है वो पैक करवाओ और वो आप ले कहा आप तो गिफ्ट को छोड़ ही देना मैं तो ये टेंशन में हूँ कि नीता अंबानी की ग्यारह मिस कॉल आई हुई थी मुझे और मैं नहीं उठा सकी वो नाराज हो गई है अच्छा अब मैं सोच रही हूँ ये जो कल याप... नहीं मैं आपसे मिल सकूंगी ये जो यहाँ पे यूट्यूबर है गुलशर अभी वाली उनकी बात कर रहे हैं लंदन वाली जो है मुकेश अंबानी अच्छा, की अच्छा अब मैं इनसे मिलकर आती हूँ फिर मैं कल नहीं मिल सकूंगी आपको आप कोशिश करें कि एक वीक ना मिले आप एक वीक के बाद शुरू करें थोड़ा सा हमें भी रेस्ट मिल जाएगा और प्रोडक्शन टीम को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा लेकिन आप भी साथ आ रहे हैं ठीक है मैं तो बड़ी हमारी कल का पॉडकास्ट जो है हम स्किप करें लेकिन परसों मिलेंगे एक दिन में आना जाना हो जाएगा तो नहीं मंडे को तो ये सब भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और वारिस बेग भी मंडे को पहुंच रहे हैं और आतिफ़ असलम भी मंडे को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे mm. तो हाँ यह है कि जब वो पहुंचते हैं तो फिर उनसे हम बात भी करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यह सारी सूरत बिल्कुल वी विल डेफिनेटली टेक द फीडबैक फ्राम दो पाकिस्तानी सिंगर्स हु इट पाकिस्तान एंड एट अम्बानीज सफकोर्स थैंक यू सो फॉर कास्टिंग लाइट सच दिस वॉज नॉट एन इशू दिस वॉज सच अ हैप्पनिंग इवेंट विच टुक प्लेस बैक एंड इंडिया फ्यूमन से गो लेकिन जो मेजर फेस्टिविटीज़ है इस शादी की मिस्टर अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की वो तो लंडन में आज हो रही है और अब तक तो हो भी गई होगी जब तक आप ये मेरा पॉडकास्ट देखेंगे थैंक यू सर वन अगेन थैंक यू गायज फॉर वॉचिंग स्टूडे इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो एनी थिंग मोर अबाउट इट सो प्लीज लेट एस नो इन द कमेंट सेशन ब्लो डाउन टिल दैन स्टे टूट बाय बाय